ये कहानी है कुछ ऐसे जंगली आदमखोरों की जो अमेजोन के जंगलों में रहते हैं, जिसके बाद कुछ स्टूडेंट्स उनके उजड़ रहे जंगलों को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग उन्हीं का शिकार कर लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चलते हैं एक्सप्लेन करते हैं हम आज की मूवी, जिसका नाम है ग्रीन इन्फर्नो। मूवी के स्टार्टिंग में ही हम लोगों के यहाँ पर कुछ सोशल वर्किंग स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दिखाई देता है जो लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के लिए जागरूक कर रहे होते हैं। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर दो लड़कियां देखने को मिलती है, जिसमें से एक का नाम जस्टिन होता है और दूसरी का नाम कैसी होता है। ये दोनों फ्रेंड्स होती हैं और साथ साथ में रूममेट भी होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग को यहाँ पर क्लास में लेक्चर चलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ की जो टीचर होती है वो अमेजोन में रहने वाले लोगों के बारे में कुछ बता रही होती है। वो टीचर ये बताती है कि ये आदिवासी लड़कियों के साथ में बेहद ही ज्यादा ब्रुटल रिवाज करते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद में जस्टिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू टीचर के सामने देती है और वो ये बोलती है हम लोगों को मिलकर इस रिवाज को हटाना चाहिए। वो टीचर से ये भी बताती है कि जो मेरे फादर हैं वो यूएन के एक बहुत ही प्रोफेशनल लॉयर हैं, जिनकी मदद से हम लोग इस काम को कर सकते हैं, लेकिन टीचर ये कहती है कि उनके रिवाजों को रोकना नामुमकिन है। इसके बाद में थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और जोना नाम का एक शख्स जस्टिन को सोशल वर्क में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट करता है और जस्टिन इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग को अलेक्जेंड्रो सभी लोगों को अमेजोन में रहने वाले आदिवासियों के बारे में कुछ बातें करता हुआ दिखाई देता है। वो इन लोगों से ये बता रहा होता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन वहाँ पर प्रॉफिट्स के लिए वहाँ के जंगलों को खत्म कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर रहने वाले आदिवासियों को उनका घर उजड़ रहा है और उनके साथ काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। और साथ में वो ये भी बताता है कि हम लोगों को मिलकर इसके बारे में कुछ करना चाहिए। इसके बाद में जिसका जवाब जस्टिन ये कहकर रिप्लाई देती है कि हम आखिरकार क्या कर सकते हैं, क्या हम जंगल में भूख हड़ताल करेंगे। इतना कहने के बाद में अलेक्जेंड्रो उसे बात को सीरियसली ना लेने की वजह से उसे वहां से भगा देता है, लेकिन जोना उसे रोकने की कोशिश करता है और जस्टिन से ये सब बोलता है कि जो अलेक्जेंड्रो है वो सोशल वर्क के मामले में काफी ज्यादा सीरियस रहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग को जस्टिन अलेक्जेंड्रो से उसी बात के लिए माफी मांगती हुई दिखाई देती है और उसे अपने ग्रुप में लेने को कहती है। अब इसके बाद में अलेक्जेंड्रो पूरे ग्रुप से डिस्कस कर रहा होता है कि हमें इन आदिवासियों की मदद आखिरकार कैसे करनी होगी। और नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग प्लेन से वहां के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। अब वो लोग जिस देश में आ गए होते हैं वहां के लोग बेहद ही ज्यादा अजीब होते हैं, उन्हें यहां की लैंग्वेज भी नहीं पता होती है। वो सभी फ्रेंड्स लोग बोट में बैठकर उस जंगल में वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम जहां पर चल रहा होता है वहाँ के लिए निकल लेते हैं, मगर यहाँ पर रास्ते में जाते समय वहाँ के जो फ्रेंड्स होते हैं लार्स और जस्टिन को यहाँ पर बीच में ही टॉयलेट लग जाती है, लेकिन वो दोनों बोट पर होते हैं, जिससे कि बाद में बोट को नदी के किनारे रोकना पड़ता है और वो दोनों वहाँ पर टॉयलेट के लिए जाते हैं। जंगल काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे कि दोनों को एक एक वेपन दे दिया जाता है अपनी रक्षा करने के लिए। जस्टिन के साथ में तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लार्स जो होता है उसके सामने एक बहुत ही भयानक मकड़ी आ जाती है, के बाद में वो अपनी गन से उसको मारता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक होता है और बाद में अपनी बोट पर आ जाता है। और इसके बाद में वो फिर से अपनी बोट में बैठकर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है वहाँ के लिए निकल लेते हैं। थोड़ी देर बाद अब वो फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं और खुद को एक कंस्ट्रक्शन के बेस में बना लेते हैं। ये जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उन लोगों को यहाँ पर ये अंदाजा नहीं होता है कि ये जो काम वो लोग करने जा रहे हैं इस काम में उन लोगों की जान भी जा सकती है। वो सभी लोग मास्क लगाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाते हैं। वो लोग अपने आप को चैन से बांध लेते हैं। चैन से अपने आप को वो लोग इसलिए बांधते हैं जिससे कि वहां के जो आर्मी के लोग हैं उन्हें वहां से भगा ना पाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिलता है जो जस्टिन का जो लॉक होता है वो ठीक से नहीं लग पाता है, जिससे कि बाद में वहां का जो सैनिक होता है वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो अपने मोबाइल पर ये सब लाइव कर रहे होते हैं, जिससे कि बाद में ये सब जितने भी जनता होती है उन सभी लोगों को लाइव देख रही होती है। लाइव चलने के कारण वो लोग उन लोगों को नहीं मारते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जस्टिन होती है उसके सर के ऊपर गन पॉइंट करके रखे होते हैं, जिससे कि बाद में जस्टिन यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ की जो आर्मी होती है उन सभी को छोड़ देती है और जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो भी बंद हो जाता है। यहाँ पर इन सभी फ्रेंड्स को ये लगता है कि जो हम लोग का प्लान है वो वर्क कर जाता है। अब यहाँ के जितने भी आर्मी वाले लोग होते हैं उन्हें प्लेन से फिर से वापस भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो प्लेन से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तब प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और प्लेन बीच में ही क्रैश हो जाता है। प्लेन जहाँ पर क्रैश होता है वो काफी ज्यादा घना जंगल अमेजोन का जंगल होता है। यहाँ पर कई लोगों की काफी ज्यादा खतरनाक मौत भी हो जाती है। अब प्लेन क्रैश के बाद जो लोग बचे हुए होते हैं वो उस जंगल के बीच में फंस चुके होते हैं
लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हीं में से एक को तीर लगने से मौत हो जाती है। ये तीर जो होता है वो उसी जंगल में रह रहे आदिवासी लोग का होता है, जिससे कि बाद में वहाँ पर कई लोगों की और भी मौत हो जाती है। जितने भी वहाँ पर आदिवासी लोग होते हैं वहाँ पर कई लोगों को मार देते हैं, और जो लोग बच जाते हैं उन लोगों को अपने साथ में कैद कर लेते हैं। उन सभी लोगों को कैद कर लेने के बाद में वो आदिवासी जितने भी होते हैं वो उन सभी लोगों को एक पिंजरे में डाल देते हैं। ये आदिवासी बेहद ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं। वो अपने पूरे शरीर पर लाल रंग को पोते हुए होते हैं और अजीब तरह का हुलिया भी बनाए हुए होते हैं। इन सब के अलावा उन सभी की एक वहाँ पर रानी भी होती है, जो अपने मुताबिक कई चीज़ों को डिसाइड करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में अब हमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी लोग पिंजरे में कैद होते हैं उनमें में से एक को, यानी कि जोना को, वो लोग पकड़ लेते हैं। वो जितने भी आदिवासी होते हैं वो जोना को एक बड़े से पत्थर के ऊपर लेटा देते हैं, जिसके बाद में वहाँ की रानी फिर से वहाँ पर उसके पास में आती है और जोना के आँख को निकालती है और उसे खा जाती है। इसके बाद वो फिर से दूसरी आँख को निकालती है और उसे भी खा जाती है। अब इसके बाद में उन आदिवासियों का जो जल्लाद होता है वो जोना के टुकड़े टुकड़े करना स्टार्ट कर देता है। कोई उसका पैर खींच कर ले जाता है और कोई उसका हाथ। ये सीन बेहद ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अब वहाँ के सारे आदिवासी मिलकर जोना के मांस को मिलकर पकाते हैं और खाते हैं। ये सब देखकर जस्टिन और उसके फ्रेंड्स की तबीयत खराब होने लगती है और एमी को यहाँ पर काफ़ी तेज पॉटी भी लग जाती है, जिसे उसे उसी पिंजरे में किनारे सबके सामने करना पड़ता है। और ये नज़ारा देखकर वहाँ जितने भी आदिवासियों के बच्चे होते हैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स बचे हुए होते हैं वो जब भी इस पिंजरे से निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो बैठा आदिवासी होता है वो उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो फ्रेंड्स फिर से घायल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में अलेक्जेंड्रो सबको ये बताता है कि हम लोगों ने ये सब के जंगल को रोकने का जो अभियान किया हुआ है वो सब पॉपुलैरिटी स्टंट था, जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट पर वायरल हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो जाएंगे। हम लोगों की जो ये ट्रिक थी इसकी मदद से हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन जहाँ पर कंस्ट्रक्शन रुकने का सवाल होता है वो 2-3 दिन के लिए रुक जाएगा, मगर फिर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों को अभी के लिए यहाँ पर इसी पिंजड़े में ही रहना चाहिए और 3 दिन बाद आकर हम लोग को यहाँ के लोग छुड़ा ले जाएंगे। ये सब सुनने के बाद में वहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है कि बस थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए हम लोग इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं और अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। लेकिन उन्हें थोड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि 3 दिन बाद आर्मी वाले लोग आने वाले होते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो हम लोगों को जस्टिन को यहाँ पर थोड़ी बहुत एक आदिवासी की छोटी लड़की से फ्रेंडशिप होती दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद भी वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं जस्टिन और समांथा को उठा ले जाते हैं और उनके साथ भी वही रिवाज वाली प्रथा करते हैं जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में टीचर के द्वारा बताई थी। वो लोग जस्टिन के साथ में बेहद ही ज्यादा अजीब काम कर रहे होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सीन में उन सभी फ्रेंड्स को कुछ खाने के लिए दिया जाता है। ये किसी मांस से बना हुआ कुछ खाना होता है जो एमी नहीं खा पाती है क्योंकि वो वेज होती है, और यहाँ पर जितने भी बाकी फ्रेंड्स होते हैं वो लोग खा रहे होते हैं। इसके बाद में एमी भी थोड़ा बहुत हिम्मत करके उसे खाने का प्रयास करती है और उसे खाती है। एमी को यहाँ पर उसके अंदर कुछ खून जैसा दिखाई देता है, फिर अचानक से उसके मन में कुछ आता है और वो अपना गला काट लेती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम लोगों को लार्स कुछ प्लान बनाता हुआ दिखाई देता है। वो एमी की बॉडी में गांजा डाल देता है और वो ये सोचता है कि जब एमी को आग में डालकर भूंजा जाएगा तो गांजे की मदद से वहां पर जितने भी आदिवासी लोग हैं वो सभी लोग नशे की वजह से बेहोश हो जाएंगे। फिर बाद में वो फ्रेंड्स सब यही करते हैं। वो एमी के मुंह के अंदर गांजे की पूरी पैकेट डाल देते हैं और एक लकड़ी की मदद से उसके पेट के अंदर ढकेल देते हैं। लेकिन इसी दौरान वहां पर जो अलेक्जेंडर होता है वो कुछ गलत हरकत कर रहा होता है, वो भी सब लोगों के सामने। यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उसकी ये सब गलत हरकत को देखकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे ये भी पूछते हैं कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। बस वो इतना कह के जवाब देता है कि हम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में हैं और मुझे थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करना है। अब जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो अलेक्जेंडर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे एक सनकी समझ बैठते हैं और उसे एक सनकी समझते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यहाँ पर वो आदिवासी जो लोग होते हैं वो एमी को बॉडी को ले जाते हुए दिखाई देते हैं और बाद में वो एक भट्टी में डालकर एमी की बॉडी को जलाते हैं। बाद में उसके अंदर जो गांजा होता है वो थोड़ा बहुत अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जब वहाँ पर कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं तब जोना और जस्टिन वहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं। लार्स भी उन लोगों के साथ में भागने की कोशिश करता है लेकिन अलेक्जेंड्रो उसे नहीं जाने देता है, उसके पैर पर हमला करके उसे फिर से पिंजड़े में ढकेल देता है। अब यहाँ पर लार्स जो होता है उसे आदिवासी मिलकर किसी जॉम्बी की तरह नोच कर खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सीन काफी ज्यादा भयानक होता है। वो काफी ज्यादा
ज़्यादातर चिल्लाता है लेकिन लोग उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बाद में जब जस्टिन और डैनियल दोनों लोग भागकर जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ होता है उसी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर रेडियो ढूंढने की कोशिश करते हैं। रेडियो तो उन लोगों को मिल जाता है और साथ ही साथ में वहाँ पर आदिवासी उनको फिर से उठा लेते हैं। अब यहाँ पर डैनियल और जस्टिन दोनों लोगों ने भागने की कोशिश की हुई थी जिससे कि वहाँ के आदिवासी लोग गुस्सा होकर डैनियल और जस्टिन दोनों लोगों को सजा देते हैं। डैनियल को वो लोग एक खंभे में बांधकर उसके ऊपर चींटियाँ डाल देते हैं जिससे कि बाद में जो बड़ी बड़ी चींटियाँ होती हैं उसके मांस को खाना चालू कर देती हैं। अब दूसरी तब ये देखने को मिलता है कि जो जस्टिन होती है उसको भी बांध कर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी सजा देने वाले होते हैं। वो आदिवासी लोग उसको पूरा न्यूड कर देते हैं और उसकी पूरे बॉडी पर कुछ वाइट कलर का लगा देते हैं। वो उसके साथ में कुछ करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर तभी एक आदिवासी कंस्ट्रक्शन का हेड अपने हाथ उठाकर उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है और ये बताता है कि वो सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और जंगल को तबाह करने वाले हैं। जिसके बाद में यहाँ पर जितने भी आदिवासी लोग होते हैं वो सभी लोग उनसे लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर जस्टिन को वहाँ पर आदिवासी की जो फ्रेंड बनी हुई होती है, जो छोटी लड़की होती है, उसके द्वारा बचा लिया जाता है। अब जस्टिन यहाँ पर सीधा भागकर उन सभी आर्मी वालों के पास में जाती है। वो जो आर्मी वाले होते हैं वो सभी आदिवासियों को अपनी गन से मार रहे होते हैं। जब जस्टिन उन आर्मी वालों के पास में जाती हैं तो आर्मी वाले जो होते हैं जस्टिन को भी एक आदिवासी समझ रहे होते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसको मारने ही वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जस्टिन होती है वो अपने आप को एक अमेरिकन बताती है और फ़ोन चला कर ये बताती है कि मैं एक अमेरिकन हूँ, मैं एक आदिवासी नहीं हूँ। जिसके बाद में वो जो वहाँ के आर्मी वाले लोग होते हैं उसे बचा लेते हैं। आर्मी वाले जस्टिन से अब ये पूछते हैं कि बाकी के लोग कहाँ पर है। जस्टिन यहाँ पर अब ये बताती है कि मेरे अलावा कोई नहीं बचा हुआ है, जबकि जो अलेक्जेंड्रो होता है वो बचा हुआ होता है। लेकिन अलेक्जेंड्रो ने काफ़ी गलत हरकत की हुई होती है जिससे कि जस्टिन उसकी जान बिल्कुल भी नहीं बचाती है। अब जब जस्टिन अपने घर में वापस लौट जाती है तब उसका वहाँ पर बयान लिया जाता है कि आखिरकार उसने वहाँ पर क्या क्या देखा और कैसा व्यवहार उसके साथ में हुआ, जिसमें जस्टिन हम लोग को ये बताती हुई दिखाई देती है कि जो आदिवासी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जब हम लोग का प्लेन क्रैश हुआ था तब सभी लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद में उन आदिवासियों ने मुझे खाना पीना और रहने को दिया। वो अच्छे हैं, उन्हें ख़त्म ना किया जाए। जस्टिन के इस झूठे बयान से अमेजोन में रहने वाले जितने भी आदिवासी होते हैं उन सभी लोगों की जान बच जाती है। यहाँ पर जस्टिन के साथ में बेहद ही खौफनाक हुआ होता है लेकिन वो फिर भी उन आदिवासियों की जान इसलिए बचाती है क्योंकि वो जानती है कि ये तो आदिवासी हैं और ये सब उन लोगों का काम ही है। इन सब की वजह से उन सब आदिवासियों को ख़त्म करना, उनको मार डालना, ये सब ठीक नहीं है और जंगल को तबाह कर देना ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा बयान देती है और इसके बाद में मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है द ग्रीन इन्फर्नो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।